वेरी गुड कामरान अब देखते हैं हैं कि जजेस क्या सोचते आपकी आपकी के बारे में आपकी मुझे ठीक लगी बिल्कुल लेकिन काफी जगहों पे आप सुर से उतर गए थे आ, या तो वो आपको आवाज नहीं आ रही थी मॉनिटर्स पे लेकिन ये आप ही का काम था कि इसको बढ़वाना था इसलिए आपने गाना था ठीक है ना तो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया आपकी कियाफॉर्मेंस ने इसलिए कि काफी जगह पे आप सुर से उतर गए थे थैंक यू थोड़े से आप अनकम्फर्टेबल लग रहे थे आप बार बार लेफ़्ट पे अपने बैंड की तरफ भी देखते थे तो उनसे क्या पूछना चाह रहे थे आप नहीं आ, हमारा जो तय हुआ था कि ए, वन बार मतलब एक उसके बाद पीस के बाद मुझे उठाना था तो सेकंड बजने लगा था तो मैं डिस्टर्ब थोड़ा सा हो गया अच्छा तो खैर अब यह तो हमें नहीं तो मैंने पूछ लिया ये लोगों को भी नहीं पता होगा लेकिन वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा था और वो उसकी वजह यह भी है कि आप ये नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर तो वो ऑबियसली ये सारी चीज़ें हमें नोट नोट डाउन करनी होती हैं आपकी जब हाई जब जाते थे आप मुझे उस वक्त आपकी आवाज़ समझ आती थी लेकिन जितने भी आपके जो इस गाने में डायनामिक्स थे लो साइड पे वो थोड़े से थोड़े से डिस्टर्ब थे और परफॉर्मेंस सही थी कोई इतनी धुआँदार परफॉर्मेंस नहीं थी अगर होती तो हम कह रहे होते आपको बट यही है कि मुझे ये भी ये भी अभी नहीं सीखते हैं कि आप सीख नहीं सीखते हैं आप हाँ तो ये बड़ा ज़रूरी है ये सीखना भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी काम आप प्रोफेशनली करते हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है तो इसको सीखें ताकि आप मजीद इसको अपनेस कर सकें थैंक यू एक टैलेंट है आपके अंदर शायद गॉड गिफ्टेड है, वो है आवाज का और आपने मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स बोल चुका हूँ लास्ट कुछ एपिसोड में रमीज ने कि जब परफॉर्मेंस में थोड़ी भी गलती होती है या बैंड की तरफ से या सिंगर की तरफ से तो आपने अपना हंड्रेड परसेंट देना है देना है तो ना आप मुंह बनाएं स्टेज पे ना डिस्टर्ब हो इसलिए कि एक दफा वो ट्रेन निकल गई तो रुकती कहाँ है ट्रेन तो ट्रेन है या आप रोक लें बीच में से कि नहीं यार मैंने वापस करना है और ज्यादा अच्छा करना है दूसरी बात आप माशा बहुत अच्छे लग रहे हैं गुड लुकिंग मैन बहुत अच्छी टोन है आपकी आप अपने टोन का इस्तेमाल करें सही राइट इस्तेमाल जब आप हाई जाते हैं तो आप नेजल हो जाते हैं टोटल नाक में गा रहे होते हैं आपका गला और सीना रह जाता है उस वक्त लो में कंट्रोल नहीं हो रहा आपका लो बंद नहीं हो रहा आप जब ग, जब नीचे के सुर बोलते हैं तो वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो वो लरसते हैं आ, गाना आपने सही चूज किया बैंड ने बिल्कुल ठीक बजाया हां वो कोऑर्डिनेशन थोड़ी बोड़ी तो वो चलती रहती है यार वो हमसे भी होती है यार बहुत टाइम हो गया है तो अदरवाइज सिर्फ ये कि की कंट्रोल जो मैं कहता हूँ प्रेशर ये प्रेशर का गेम है

लेकिन जाने से पहले ब्रेक पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो भी आ, विनर होंगे हमारे पास जो कि हर एपिसोड में हमारे साथ हैं एंड वी गॉट वन विनर ईच एपिसोड फिनाले जो कि फोर्टीन अगस्त 2011 थाउजेंड अगस्त 2011 को है उस दिन जो विनर होगा उसके लिए बहुत ही ग्रेट इंसेंटिव है आई एम से कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द विनर क्योंकि अजम अली शान के प्लेटफॉर्म से उन्हें एक म्यूजिक वीडियो तोहफे में दिया जाएगा लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक यू स्टे ट्यून विल बी राइट बैक अच्छा तीनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी जो इसमें जो बेस्ट है जो विनर है इस प्रोग्राम की वो है <laughs> मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन खान और हम हैं आपके साथ अजमे आलिशान नेशनल सॉन्ग कंपटीशन सीजन टू में अब बारी है रिजल्ट्स की तो देखते हैं कि ये तीनों टैलेंटेड यंगस्टर्स इनमें से विनर कौन है अच्छा तीनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी अहद की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कामरान की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सबके पास एक एक यूएसपीज हैं आपके कि आप बड़े गुड लुकिंग हैं आपकी आवाज़ बड़ी मैनली है अहद इसके अलावा कामरान आपका बड़ा आप अच्छे लगे मुझे स्टेज पे खड़े हुए अच्छा गाया आपने लेकिन आ, जो इसमें जो बेस्ट है जो विनर है इस प्रोग्राम की वो है निम्रा वाह बुलियांस टुगेदर ऐसा लग बहुत अच्छा लग रहा शिवरिंग फंटास्टिक <laughs> 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 सोनी धरती एक दफा फिर सुनाओगी Thank you so much. Uh, जीतने के बाद कैसा री अच्छा इतनी वेल इतनी हाँ। <laughs> uh, well और बहुत अच्छा गाना गाया आपने देखें जजेस ने दे भी पूरा पूरा इंसाफ किया आज के एपिसोड में भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अब विनर भी हैं तो आपका अज्म क्या है किस आज के साथ आप यहाँ पे आई हैं मैं इस हजम के साथ आई हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे मुल्क में जो एजुकेशन जो है वो अपने पेरेंट्स के पास पैसे ना होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते मैं चाहती हूँ कि उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एजुकेटेड जो है वो बनाया जाए और हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत कमी है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट नहीं कर सकते तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए और आप उस इंस्टीट्यूट के साथ काम करना चाहती हैं बिल्कुल जितना मुझसे हो सकेगा उतना दैट्स वेरी नाइस और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में और हर जगह पर कि हम पर्सनली ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं तो वाई नॉट हम इन सारे इदारों में जाकर uh, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर वीकेंड्स पे अवेलेबल है कोई शाम के टाइम पर अवेलेबल है कोई तो हम जाके चाहे वो uh, कोई सब्जेक्ट जिसमें हमें महारत हो हम जाके वहाँ पर वो पढ़ा सकते हैं ठीक है जी एक इदारा है रोशनी पब्लिक स्कूल के नाम से जो कि ऐसे ही बच्चे जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है उनको तालीम की सहूलत फ्राहम करते हैं उनको यूनिफॉर्म्स देते हैं किताबें पूरा सलेबस करिकुलम उनको मिलता है प्लस उसके साथ साथ उनको रिसेस का जो खाना होता है वो भी मिलता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए ऑलरेडी रोशनी पब्लिक स्कूल काम कर रही है तो हम ये आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इनके साथ काम करना चाहती हैं तो यू मोर देन वेलकम बिल्कुल करना चाहती हैं थैंक यू वेरी मच निमरा और अब तशरीफ रखिएगा एंड दैट इज़ सो वंडरफुल यू नो निमरा हैज वन द कंपटीशन थैंक यू वेरी मच जजेस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का पार्टिसिपेट करने का फैशन बैंड थैंक यू वेरी मच और अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त जाने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने हमारा साथ देना है अजमे अली शान के प्लेटफॉर्म पर तो लॉग ऑन कीजिए डब्ल्यू और हमारा साथ दीजिए अपने मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं 5454 पर अमरीन खान को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज